ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ हुआ अविश्वास प्रस्ताव। जनपद कन्नौज के विकास खंड सौरिक में ब्लॉक प्रमुख नीलम यादव के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। कुल क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नीलम यादव को कुल 5 मत प्राप्त हुए हैं और प्रिया राजपूत को 51 मत प्राप्त हुए। कुल 57 मतों का मतदान हुआ, जिसमें एक मत रिजेक्ट कर दिया गया। जिन लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं थे, उन लोगों को मतदान करने से मना कर दिया गया। छिमरामऊ तहसील उपजिलाधिकारी गौरव शुक्ला की अध्यक्षता में हुए मतदान। अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया। प्रभारी BDO सौरिक नरेश चंद्र सप्ता, जिला विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के कड़े प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए। थाना अध्यक्ष सौरिक राजकुमार सिंह, तालीग्राम थाना अध्यक्ष राजा दिनेश सिंह, बिशुनगढ़ थाना प्रभारी इंद्रपाल सरोज सहित काफी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ PSC बल भी मौजूद रहा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम यादव ने बताया कि हमको क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, ये उनका निजी फैसला है। हाँ, वो 51 वोट उनको पड़े हैं, मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ गया। हाँ, तो ये समझ में आया ना, BDC सदस्यों ने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कर लाया? आपको पता नहीं क्यों, क्या हम तो बता नहीं सकते, मतलब क्यों नाराज, क्या कैसी है, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने उनको पूरा सहयोग किया, हमेशा किया, विकास कार्य भी कराया और हम बराबर कहते भी रहे कि मीटिंग वगैरह करिए आप, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो था हो गया, कोई मुझे कोई शिकायत नहीं है BDC का। फिर भी हम एक बार धन्यवाद देते हैं। क्षेत्र पंचायत सौरिक में आज अविश्वास प्रस्ताव के जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये बैठक निर्धारित की गई थी, जो यहाँ पर निर्धारित समय व दिनांक को हुई और स्थान पर क्षेत्र पंचायत कार्यालय में। इसमें कुल 57 सदस्यों द्वारा मतदान किया गया, जिसमें 51 मतों से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। सर, आगे क्या रूपरेखा रहेगी इसमें? ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और इसको नोटिस बोर्ड पे और गजट के लिए दे दिया जाएगा। अगली तारीख से यहाँ पर ये ब्लॉक प्रमुख पद पे नहीं रहेगा।